देहरादून अलीगढ़ यमुना एक्सप्रेसवे पर बाइकर यूट्यूबर अगस्त्य चौहान की मौत पर अनेक सवाल उठने लगे हैं। अगस्त्य के घर वालों ने अगस्त्य की हत्या की आशंका जताई है। परिजनों को शक है कि बाइक राइडिंग की प्रतियोगिता में अगस्त्य की हत्या की गई है। अगस्त्य के घर वालों के सवालों पर अलीगढ़ पुलिस सक्रिय हो गई है। अलीगढ़ के एसपी ग्रामीण गुरुवार देर रात घटनास्थल यमुना एक्सप्रेसवे पहुंचे। एसपी ने दुर्घटनास्थल पर जाकर जायजा लिया। यूपी पुलिस ने वहां लगे सारे सीसीटीवी कैमरे भी जांचे गए हैं। पुलिस ने फॉरेंसिक जांच के साथ अगस्त्य के साथ मौजूद चार बाइक राइडर्स को भी पूछताछ के लिए बुला भेजा है। इसके साथ ही अलीगढ़ पुलिस ने अगस्त्य के परिवार से हत्या के संदेह को लेकर तहरीर देने को भी कहा है। अगस्त्य चौहान के परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। देहरादून निवासी जितेंद्र चौहान ने अपने बेटे अगस्त्य चौहान की मौत को लेकर अनेक गंभीर सवाल उठाए हैं। चौहान का कहना है कि दिल्ली से अगस्त्य चार दूसरे बाइक राइडर्स के साथ यमुना एक्सप्रेसवे की ओर निकला था। बाइक राइडर्स के बीच 300 किलोमीटर की स्पीड से मोटरसाइकिल चलाने को लेकर प्रतियोगिता थी। सभी बाइकर्स के हेलमेट पर वीडियो बनाने वाले कैमरे भी थे। जितेंद्र चौहान ने आश्चर्य जताया कि दुर्घटना के बाद से कैमरे कहां गायब हैं। अगस्त्य के पिता का आरोप है कि अगस्त्य के साथ के तीन राइडर यूटर्न लेकर जेवर टोल से वापस आ गए थे। सिर्फ एक साथी दुर्घटनास्थल तक उसके साथ चला था। वह दुर्घटनास्थल से यूटर्न लेकर चला गया। चौंकाने वाली बात है कि उसने अगस्त्य के बारे में जानने का प्रयास तक क्यों नहीं किया। अगस्त्य चौहान के पिता जितेंद्र सिंह चौहान का आरोप है कि बाइक स्पीड का रिकॉर्ड तोड़ने को लेकर कंपटीशन में अगस्त्य की हत्या हुई है। अगस्त्य के पिता ने ये भी कहा कि उनके बेटे के साथ रेंसिंग करने वाले राइडर्स ने दुर्घटना के तीन घंटे बाद उनसे संपर्क किया। अगस्त्य के पिता का ये भी आरोप है कि उन लोगों ने जो लोकेशन बताई थी वहां पहुंचने के बाद अगस्त्य वहां नहीं मिला था। अगस्त्य की लोकेशन बार बार बदलने लगी। अगस्त्य चौहान के पिता जितेंद्र सिंह चौहान ने ये आरोप भी लगाया कि घटनास्थल पर कार के पहिए के घिसटने के निशान भी है। उन्होंने सवाल किया कि अगर बाइक 300 की रफ्तार से दौड़ी और एक्सीडेंट में अगस्त्य की मौत हुई तो सिर्फ उसके सिर में चोट कैसे आई, बाइक में तो मामूली टूट-फूट हुई है। जितेंद्र चौहान ने कहा कि अगर 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बाइक चले तो हादसा होने पर पूरे शरीर में भी चोट होती, यही नहीं बाइक के भी परखच्चे उड़ जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूपी पुलिस ने शुरू की जांच। वहीं इस मामले में अलीगढ़ के एसपी ग्रामीण पलाश बंसल ने बताया कि परिवार के लोगों को अगस्त्य की हत्या की आशंका है। जो सवाल उठ रहे हैं उन पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अगस्त्य के परिवार वालों से तहरीर मांगी गई है। उसी तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा, उसके बाद मामले की जांच की जाएगी। एसपी पलाश बंसल ने कहा कि अगस्त्य चौहान के साथ चल रहे दूसरे चारों बाइकर्स को पूछताछ के लिए बुलाया है। सीओ खैर आर के सिसोदिया का कहना है कि अगस्त्य चौहान के शव का पोस्टमार्टम करा दिया गया है। शव उसके परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस जांच में लगी है। आपको बताते चले कि देहरादून चक्राता में रहने वाले 22 साल के अगस्त्य चौहान प्रो राइडर 1000 नाम से यूट्यूब चैनल चलाते थे। अगस्त्य चौहान के चैनल के सब्सक्राइबर्स की संख्या लाखों में थी। वह 2022 से 23 में हैदराबाद में हुई पंजाब कुश्ती की राष्ट्रीय प्रतियोगिता के चैंपियन भी रहे थे। 3 मई 2023 को अगस्त्य चौहान अलीगढ़ के टप्पल इलाके में यमुना एक्सप्रेसवे पर 16 लाख की स्पोर्ट्स बाइक से राइड कर रहे थे। 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बाइक दौड़ाते समय हुए हादसे में उनकी मौत हो गई थी।